आचार्य राम सहारे दास जी से खास बातचीत। विगत 15 वर्षों से भागवत कथा का वाचन करते हैं और अब पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के पद पर दावेदारी की तैयारी। अब तक इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि तमाम प्रदेशों में कथा वाचन कर प्रसिद्धि कमाई है और अब गांव को चमकाने की तैयारी में है। विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत पारा रामनगरा के निवासी है आचार्य राम सहारे दास। इन्होंने गांव के प्राथमिक पाठशाला से पढ़ाई शुरुआत की और 15 वर्ष की अवस्था में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु सुदूर स्थानों पर चले गए। रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत पारा रामनगरा में आज हमसे बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद है जो गांव की पाठशाला से पढ़कर बाहर के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर और कथा वाचन का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने गांव की पाठशाला से पढ़ाई पूरी कर 15 वर्ष की अवस्था में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अन्य बाहर स्थान पर चले गए हैं और यह संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि प्राप्त कर श्री जयंती प्रसाद भागवत विश्वविद्यापीठ से आचार्य की डिग्री प्राप्त की है और यह कथा वाचन का कार्य करते हैं। लेकिन इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के पद पर आजमाइश कर रहे हैं। अब हम इनसे बात करेंगे, इनके क्या लक्ष्य हैं, क्या वादे हैं, आखिर क्यों ये ग्राम प्रधान के पद पर आना चाहते हैं, ये कैसे गांव की तस्वीर बदलेंगे, आखिर इनको क्यों आना पड़ा। अब हम इन्हीं से संपूर्ण जानकारी लेंगे और बात करें। मैं ग्राम पंचायत पारा रामनगरा का रहने वाला हूं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहां से शुरुआत हुई, कहां से समाप्त हुई? मैंने प्राइमरी पाठशाला पारा से ही कक्षा 5 तक की पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद मैं सीता इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया हूँ। उसके बाद में पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मैं वृंदावन में जा करके जयंती प्रसाद भागवत विश्वविद्यापीठ से भागवत की पढ़ाई किया हूँ। साथ साथ में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से मैंने आचार्य किया है और फिलहाल मैं कथा वाचन का कार्य कर रहा हूँ। कथा वाचन का कार्य विगत कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं कथा वाचन का कार्य 15 वर्ष से मैं कथा वाचक हूँ और बस भगवान की हरिचर्चा का गान करता हूँ। तो इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के पद पर क्यों आना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है? मैं जब गांव आता हूँ, कहीं कथा भागवत करके कहीं से गांव आता हूँ, तो गांव में आ करके बड़ा अजीब लगता है। गांव में आ करके देखता हूँ, अभी हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारी ग्राम पंचायत बहुत पिछड़ी हुई है। ना तो यहाँ पर रहने के लोगों के जो आवास मुहैया कराए जाते हैं, ना तो कोई आवास है। नाली खड़ंजा पूर्ण रूप से, अभी नाली खड़ंजों से हमारी ग्राम पंचायत वंचित, और जो खड़ंजे बने नालियाँ ना होने के कारण उन खड़ंजों पे भी निकलना दुश्वार हो जाता है। उन खड़ंजों पे भी हम पैदल भी नहीं निकल पाते हैं और कई ऐसी अभी सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ गरीबों की झोपड़ी बनी हुई जो अभी तक उनको आवास मुहैया नहीं हो पाए हैं। इसके पहले जो 10 वर्ष पहले हमारे यहाँ प्रधान थे, शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ केवल और केवल अपना बनाया, ग्राम पंचायत की तरफ से मुड़ करके नहीं देखा। बाकी हम लोगों ने उनसे निराशा जताई और दोबारा पंचायत चुनाव में मैंने उन्हें हटा करके दूसरा प्रधान पद का उम्मीदवार बना करके उनको जीत हासिल कराई। लेकिन अशिक्षित होने के नाते वो भी ग्राम पंचायत को ठीक से देख नहीं पाए। अभी भी हमारा ग्राम पंचायत हर प्रकार से वंचित है। सैकड़ों घर ऐसे बने हैं जहां पर आवास नहीं है, जिनको रहने की जगह नहीं, अगर वर्षा होने लग जाए तो उनके लिए कोई छत नहीं है, बैठने का कोई ठिकाना नहीं है उनके पास। तो पुनः मैं भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए ग्राम पंचायत को, क्योंकि सरकार योजनाएं बहुत प्रदान कर रही है, अशिक्षित होने के नाते हमारी ग्राम पंचायत तक वो सरकार की समस्त सुविधाएं नहीं आ पाती हैं जो आनी चाहिए। ब्लॉक तक आती हैं और ब्लॉक से वापस चली जाती हैं, तब पता चलता है ग्राम पंचायत के लिए ये आया था। तो पूर्ण रूप से मैं भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए ग्राम पंचायत को और ग्राम पंचायत के लिए कुछ अच्छा करने के लिए मुझे साथ साथ में ये कदम उठाना पड़ा। गांव की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? गांव की प्रमुख समस्याएं जैसे कि
गांव में नालियां नहीं बन पा रही हैं, नाली नहीं है, अभी भी पगडंडी मार्ग बने हुए हैं जिन पर रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई रहने के लिए जाने के लिए ना तो खड़ंजा है, और जहां पे खड़ंजा लगे हैं उनके ऊपर होकर के नालियां बह रही हैं, तो पैदल भी पगमार्ग से भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब कार्यों से, इन सब कमियों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं अग्रसर ग्राम पंचायत के लोगों का सहयोग लेकर के और मैं इन सब समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। आपके अनुसार ग्राम पंचायत के विकास कार्य बहुत पीछे हैं और रहने के लिए आवास, शौचालय, बिजली, सड़क आज सब की समस्या है, क्या आप इससे छुटकारा दिला पाएंगे? मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़ करके मैं ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये आशा दिलाता हूं, उम्मीद दिलाता हूं, यदि सद्गुरुदेव भगवान की, ईश्वर की कृपा से और ग्राम पंचायत के लोगों से, ग्राम सभा के लोगों से यदि मुझे ये सहयोग मिला तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूंगा कि हमारा विकास खंड ग्राम पंचायत पारा रमनगरा के कार्यों से शिक्षा लेगा। जी, अभी 70% हमारे यहाँ के लोग हैं जो जिनके पास में शौचालय नहीं है। मैं सबसे पहले उन घरों में शौचालय के लिए मांग करूँगा सरकार से, फिर रहने के लिए छत नहीं है आवास के लिए मांग करूँगा, फिर उनको आवास दिलाऊँगा, उसके बाद में हमारे निकलने और जाने आने के लिए जो खड़ंजे नहीं हैं, इंटरलॉकिंग नहीं है, मैं उनके लिए मांग करूंगा और उनको दिलाऊंगा, उसके बाद मैं नालियों से अपनी ग्राम सभा को मुक्त करूंगा कि जहां एक स्थान पर समस्त नालियों का पानी निकल सके, ऐसी व्यवस्था में जहां तक मैं देखता हूं अपने गांव के बच्चों को, अपने ग्राम सभा के बच्चों को, कि कहीं खेत जब खाली होते हैं तब उन खेतों में जा कर के अपना क्रिकेट खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, मैं उस ज़मीन पर बच्चों के लिए खेलने के लिए मैं उस फील्ड भी बनाऊंगा और खेल का मैदान भी बनाऊंगा, और साथ साथ में बारात घर, जैसे बारात रुकने के लिए असुविधा हो रही हो उस बारात घर को भी मैं बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ साथ में ऐसी तमाम कमियाँ हैं जिनको मैं दूर करना चाह रहा हूँ और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए मेन उद्देश्य मेरा यही है, ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त करा करके मैं हर प्रकार से ये कोशिश करूंगा कि ग्राम पंचायत सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों से मुक्त हो और आने वाले समय में हमारे विकासखंड रामपुर मथुरा की समस्त ग्राम पंचायत पारा रमनगरा ग्राम पंचायत से शिक्षा लें और वो समस्त योजनाएँ अपने भी ग्राम सभा में लागू करवाएँ। कीमती समय हमारे अवन न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद।